Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Study College, University of Allahabad. Nowadays, we are discussing and trying to complete the concept of educational statistics and the concepts over under. So, at this time, I am going to discuss with you kurtosis and skewness. Earlier, I have already discussed the concept of NPC, that is normal probability curve, and the concept of kurtosis and skewness comes under NPC. In earlier lecture 2, I have discussed a brief about kurtosis and skewness, but it is a different concept and questions have been asked from this very concept, so I have discussed it here also. Okay, so the lecture will be in bilingual mode and it must be useful for all of the students. NPC, आप पुराना लेक्चर सुन लीजिए. NPC का नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व क्या है और देखिए आपका पूरा स्टैटिस्टिक्स ही नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व पे बेस्ड है. हर बार हम कहते हैं कि वेरिएबल्स जो हैं अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करते हैं तो इस तरीके का है, नहीं करते हैं तो इस तरीके का है. क्या है मीन मीडियन मोड, कब मीन मीडियन मोड बराबर होते हैं, तो जब सिमेट्रिकल, आप वो पुराना लेक्चर आपको सुनना पड़ेगा अगर आप भूल गए हैं तो जो सिमेट्रिकल एनपीसी होता है, जब एकदम आपका ये जो कहते हैं ना उल्टी बेल का आकार है, ये जो बेल का आकार है ये बिल्कुल सही है, मतलब ये जो ऐसे बनता है ना एकदम सिमेट्रिकल है, यानी कि दोनों जो अगर बीच से आप ले तो मिरर इमेजेस हैं एक दूसरे के, तो स्क्यूनेस और कर्टोसिस नहीं होती है. जब ये असममित होते हैं, जब इनकी सममिति में डिस्टर्बेंस होता है, तब ये स्क्यूनेस और कर्टोसिस का कंसेप्ट उभरता है. इसका हिंदी फिर वही तिरछापन और इस तरीके का है, तो आप इसको स्क्यूनेस और कर्टोसिस ही पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है. तो क्या कह रहे हैं ये कह, और पिछले लेक्चर में भी मैंने कर्टोसिस और स्क्यूनेस को कवर किया, बट वो थोड़ा सा और डिटेल मुझे लग रहा था आपको चाहिए है एमए एमएड के लेवल पे, इसलिए मैं इसको अगेन कवर कर रही हूँ. तो स्क्यूनेस क्या कह रहे हैं, स्क्यूनेस मीन्स लैक ऑफ सिमेट्री. जैसे ही आपका एनपीसी का कर्व असममित होगा, स्क्यूनेस उसमें क्रिएट हो जाएगी, तिरछापन आ जाएगा ना, एक तरफ से अलग एक तरफ से अलग लगेगा. इन स्टैटिस्टिक्स अ डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड सिमेट्रिक इफ In statistics, a distribution is called symmetric if mean, median and mode coincide. वो कह रहे हैं कि सांख्यिकी में स्टैटिक्स को स्थैतिकी कहते हैं ना, ये स्टैटिस्टिक्स है. तो सांख्यिकी में एक वितरण तब सममित होता है जब उसका मध्यमान, माध्यिका और बहुलक सब एक ही जगह पे होते हैं, कोइंसाइड होते हैं, अदरवाइज द डिस्ट्रीब्यूशन बिकम्स एसिमेट्रिक. और जैसे ही इनके मान बदलते हैं आपका जो वितरण है वो असममित हो जाता है. तो कैसे, इसमें भी नाम दिए गए कि कब नेगेटिवली स्क्यूड होगा, कब पॉजिटिवली स्क्यूड होगा, नाम देने पड़ेंगे तभी तो आप उसमें अंतर जानेंगे. तो कह रहा है कि इफ राइट टेल इज लॉन्गर, देखिए हम लोग अगर इधर से लें तो ये इस दिशा, ये राइट है और ये लेफ्ट है ना, ये तो सभी जानते हैं. तो इफ द राइट टेल इज लॉन्गर, ये देखिए इस वक्त जो अगर हम मिडिल पोर्शन हमारा ये है तो इसके राइट में ये है, और ये अगर मिडिल पोर्शन है तो ये इसके लेफ्ट में है. तो वो कह रहे हैं कि जब राइट टेल इज लॉन्गर, देखिए ये टेल तो छोटी है और ये वाली टेल लंबी है, तो इफ द राइट टेल इज लॉन्गर वी गेट अ पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन. वो कह रहे हैं कि जब इसकी दाहिनी पुच्छ या दाहिनी राइट टेल लंबी हो जाती है तब आप इसको पॉजिटिवली स्क्यूड कहते हैं, उसी तरह से जब लेफ्ट टेल लंबी हो जाती है तो आप इसको नेगेटिवली स्क्यूड कहते हैं. तो ये सिर्फ इसके नामकरण है, आपको याद रखना है, समझना है. तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब राइट टेल लॉन्गर होती है तो वो क्या कहलाता है, पॉजिटिवली स्क्यूड की, सिमेट्री की, नेगेटिवली स्क्यूड की, इसमें से कोई नहीं. बहुत साधारण है पर पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए. फिर जब पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो उसके लिए मोड से बड़ा मीडियन होता है, मीडियन से बड़ा मीन होता है. उसी तरह से जब लेफ्ट टेल लॉन्गर होती है तो इसका उल्टा हो गया है, मीन से बड़ा मीडियन है और मीडियन से बड़ा मोड है, आप खुद ही देख सकते हैं, है ना. तो ये भी पूछा जा सकता है कि जब मोड से बड़ा मीडियन और मीडियन से बड़ा मीन है तो ये कौन सी दशा है, पॉजिटिवली स्क्यूड है कि नेगेटिवली स्क्यूड है कि क्या है, तो आपको पता होना चाहिए. क्यों, क्योंकि जैसे ही आपका सममित कर्व बनेगा मीन मीडियन और मोड एक ही हो जाएंगे. तीनों एनपीसी में मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड होता है, लेकिन नॉर्मल एकदम सममित हमको एनपीसी का कर्व मिलता नहीं, उसमें कुछ ना कुछ स्क्यूनेस या कर्टोसिस आपको मिलेगी. फिर द एग्जाम्पल ऑफ द सिमेट्रिकल कर्व, पॉजिटिव स्क्यूड कर्व एंड नेगेटिव स्क्यूड कर्व गिवन एज फॉलोज. सिमेट्रिक ये देखिए आपको दिख ही रहा है, मैं आपको इससे बताने भूल गई, ये देखिए बिल्कुल सममित है, इसमें यही मीन है, यही मीडियन है, यही मोड है, ये सममित है. जैसे ही ये असममित होगा, अगर इसकी राइट टेल लंबी होगी तो आप कहेंगे धनात्मक रूप से तिरछापन इसमें है, अगर लेफ्ट टेल लंबी होगी तो आप कहेंगे इसमें ऋणात्मक तिरछापन है. और धनात्मक तिरछापन में क्या होता है कि
मोड से बड़ा मीडियन और मीडियन से बड़ा मीन, और नेगेटिवली स्क्यूड में क्या होता है, मीन से बड़ा मीडियन, मीडियन से बड़ा मोड. ओके, अब इसको भी निकालने के तरीके हैं. कार्ल पियर्सन का बहुत काम है स्टैटिस्टिक्स में, और उन्होंने अपना एक फॉर्मूला बताया बहुत छोटा सा आसान सा, कार्ल पियर्सन कोफिशियंट ऑफ स्क्यूनेस, कि अगर हम निकाल पाए कि तिरछापन का गुणांक कितना है. तो इन्होंने कहा अगर आपको मीन, मीडियन और मोड में से किसी तीनों में से दो के मान पता हो, स्टैंडर्ड डेविएशन पता हो, तो आप स्क्यूनेस निकाल सकते हैं. कैसे निकाल सकते हैं, इन्होंने कहा स्क्यूनेस का फॉर्मूला है मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन. मीन में से मोड को घटा के स्टैंडर्ड डेविएशन से भाग दे दीजिए, निकल आएगा. द वैल्यू ऑफ दिस कोफिशिएंट वुड बी जीरो इन ए सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन. भाई तिरछापन निकाल रहे हैं, तो जैसे ही सममित वितरण मिलेगा तो तिरछापन क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा. तो कह रहे हैं कि इस गुणांक का मान शून्य होता है सममित वितरण में. इफ मीन इज ग्रेटर देन मोड, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस वुड बी पॉजिटिव, अदरवाइज नेगेटिव. हमने पढ़ी लिया पॉजिटिव नेगेटिव में. और कार्ल पियर्सन का ये गुणांक भी प्लस माइनस वन हो सकता है, जैसे कि सभी गुणांक प्लस माइनस वन तक ही उनका मान है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता. और इफ मोड इज नॉट वेल डिफाइंड वी यूज द फॉर्मूला. वो कह रहे हैं मोड पता हो तब तो ये लगा दीजिए, मीन में से मोड को घटा के स्टैंडर्ड डेविएशन. लेकिन मोड ना पता हो तो मीन, मीडियन पता हो तो क्या लगाएंगे, स्क्यूनेस इज इक्वल टू मीन में से मीडियन को घटाइए, उसका तीन गुना करिए और तब स्टैंडर्ड डेविएशन से भाग दीजिए. तो ये चूंकि इतने आसान फॉर्मूले हैं, तो इन फॉर्मूले पूछा जा सकता है, फॉर्मूले पे बेस्ड न्यूमेरिकल आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उसमें पूछा जा सकता है, क्योंकि छोटा सा है, तुरंत निकल आएगा. फिर केली ने भी बताया है, केली ने भी बताया कि कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस कब आप निकाल सकते हैं, अगर आपको परसेंटाइल या डिसाइल में नंबर दिए हों तो कैसे निकालेंगे स्क्यूनेस. हमने परसेंटाइल डिसाइल सब पढ़ लिया है. देखिए अगर इसको प्रॉपरली लिखती तो पी से 90 नीचे छोटा सा आना चाहिए, पर उसमें बहुत टाइम लगता है, तो आप इसे समझ लीजिए कि ये परसेंटाइल लिखा है. तो द कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस प्रपोज बाई केली इज बेस्ड ऑन परसेंटाइल एंड डिसाइल. इन्होंने कहा कि अगर आपको पी 90 का मान पता हो, पी 50 का पता हो, पी 10 का पता हो, यानी कि 90वां, 90th परसेंटाइल, 50th परसेंटाइल और 10th परसेंटाइल आपको पता हो, तो आप स्क्यूनेस निकाल सकते हैं. क्या फॉर्मूला लगेगा, एस इज इक्वल टू 90th परसेंटाइल में से 50वां परसेंटाइल घटाइए, और ऐसे ऐसे करके ये फॉर्मूला बन जाएगा, पी 90 माइनस 2 इंटू पी 50 प्लस पी इंटू 10 अपॉन पी 90 माइनस पी 10. इतना आपसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि स्क्यूनेस निकालने के दो सबसे पॉपुलर फॉर्मूले हैं, एक कार्ल पियर्सन का जो मीन, मीडियन, मोड और स्टैंडर्ड डेविएशन पे बेस्ड है, और एक केली का जो परसेंटाइल और डिसाइल पर बेस्ड है. बस इतना ही जानिए. फिर आ गया कंसेप्ट ऑफ कर्टोसिस. If we have the knowledge of the measles of central tendency, जो कि हमको है, dispersion and skewness, even then we cannot get a complete idea of a distribution. In addition to these measures, we need to know another measure to get the complete idea about the shape of the distribution, which can be studied with the help of kurtosis. वो कह रहे हैं अगर आपको measures of central tendency भी पता है, skewness भी पता है, तब भी आप पूरी तरीके से वितरण के बारे में नहीं जान सकते, जबकि आपको उसका आकार के बारे में ना पता हो, तो आकार हमको kurtosis से पता चलता है. और प्रोफेसर कार्ल पियर्सन ने इसको क्या कहा, convexity of a curve. मतलब वक्रपन कितना है उसमें, कितना वक्राकार है. यहां से तो हमको तेल के बारे में पता चल रहा है, वक्र कितना सममित है, वक्र में कितना उठान है, ज्यादा ऊंचा है कि नीचा है, कैसा पठार जो ये बन रहा है बेल का, बेल शेप्ड आपका, उसके बारे में हमको कर्टोसिस जानकारी देता है. मेजर ऑफ फ्लैटनेस, कितना फ्लैट है डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, तो द डिग्री ऑफ कर्टोसिस ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन इज मेजर्ड रिलेटिव टू दैट ऑफ ए नॉर्मल कर्व. द कर्व्स विद ग्रेटर पीकेडनेस then the normal curve is called leptokurtic. The curve which are more flat than the normal curve are called platykurtic, and the normal curve is called mesokurtic. देखिए जैसे उसमें था skewed नहीं है, positively skewed है, negatively skewed है, उसी तरह से ये कह रहे हैं अगर आपका curve normal बन रहा है तब तो आप उसको mesokurtic नाम देंगे. लेकिन अगर वो ज्यादा फ्लैट है, अभी आपको चित्र से समझ में आएगा डायग्राम से, तो उसको platykurtic बोलेंगे. और अगर वो बहुत उसकी जो पीक है, शिखर है, वो ऊंचा है, यानी कि कम फ्लैट है, मतलब उसकी बेस कम ले रहा है, तो उसको लेप्टोकर्टिक बोलेंगे. देखिए ये रहा है आपका, ये नॉर्मल कर्व है आपका, तो ये मीजोकर्टिक हो गया, ये प्लेटिकर्टिक है, थोड़ा पठार जैसा है ना, इसीलिए इसको प्लेटिकर्टिक बोला है, क्यों, क्योंकि ऊंचाई कम होती है पठार की, तो ये प्लेटिकर्टिक हो गया. और ये लेप्टोकर्टिक है, यानी ऊंचाई ये ज्यादा ले रहा है, पीक इसका शिखर लंबा है, तो इसको लेप्टोकर्टिक बोलेंगे. इस तरह से कंसेप्ट ऑफ कर्टोसिस होता है. यूफो, ये सब क्या क्या आ गया है. कार्ल पियर्सन्स मेजर ऑफ कर्टोसिस, ये जब उधर बनाओ तो दिखता नहीं है, ये यही दिखता है. तो कार्ल पियर्सन्स मेजर ऑफ कर्टोसिस, कार्ल पियर्सन ने भी बताया हमको फिर से कि कर्टोसिस कैसे निकालिए. तो इन्होंने कहा अगर आपको म्यू, अब देखिए ये सब सवाल आपसे पूछे नहीं जाएंगे, लेकिन आपको फॉर्मूला एटलीस्ट जानिए तो कोई दिक्कत नहीं है. तो ये कह रहे हैं बीटा टू, बीटा कर्टोसिस के लिए है, निकालेंगे कैसे, म्यू फोर अपॉन म्यू टू का होल स्क्वायर. तो म्यू टू दी पावर फोर है, ये फोर ऊपर जाएगा,
म्यू टू द पावर 4 अपॉन म्यू 2 की पावर 2, यानी कि म्यू टू द पावर 4 अपॉन म्यू 2 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। तो ये ऐसे भी सवाल पूछा जा सकता है कि वो कह रहा है लेप्टोकर्टिक कौन था जिसकी कर्व ऊंची थी, जिसकी पीक ऊंची थी ना, तो वो कह रहे हैं अगर कर्व्स व्हिच आर वेरी हाईली पीक हैव द वैल्यू ऑफ बीटा 2 ग्रेटर देन 3, यानी कि सिर्फ अगर आपको बीटा 2 का मान दे दिया जाए कि 3 से ज्यादा है और आपसे पूछ लें कि कर्व कैसा बनेगा, मीजोकर्टिक बनेगा कि लेप्टोकर्टिक बनेगा कि प्लैटिकर्टिक बनेगा, तो आपको पता होना चाहिए कि बीटा 2 का मान जब 3 से ज्यादा होता है तो कर्व हमारा बहुत ऊंचा बनता है, शिखर ऊंचा हो जाता है, उसको लेप्टोकर्टिक कहते हैं। उसी तरह से मीजोकर्टिक जब बीटा 2 3 के बराबर होता है तो मीजोकर्टिक, और जब बीटा 2 का मान 3 से कम है तो प्लैटिकर्टिक। आपसे सिर्फ कंसेप्चुअल सवाल पूछ सकते हैं ताकि आपको चेक करने के लिए कि आप जानते हैं कि नहीं लेप्टोकर्टिक मीजोकर्टिक और प्लैटिकर्टिक का कंसेप्ट क्या है, बीटा 2 का 3 से संबंध क्या है। 3 के बराबर है तो मीजो यानी कि नॉर्मल, 3 से बड़ा है तो लेप्टो यानी कि ज्यादा ऊंचा, और 3 से छोटा है तो प्लैटी यानी कि जरूरत से कम ऊंचाई है उसके पास। अब डिफरेंस देख लीजिए, कई बार हमको लगता है कि कर्टोसिस और स्क्यूनेस एक ही चीज है पर एक नहीं है, कैसे अलग है। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दैट एसर्टेंस इट्स सिमेट्री अबाउट द मीन इज कॉल्ड स्क्यूनेस। जब हमको मीन के इधर उधर उसकी सममिति के बारे में वितरण हमको बताता है, आवृत्ति वितरण, तो वो स्क्यूनेस कहलाता है। जबकि कर्टोसिस क्या बताता है, रिलेटिव पॉइंटेडनेस ऑफ द स्टैंडर्ड बेल कर्व, जो हमारा बेल बन रही है वो कितना पॉइंटेडनेस है, अगर ज्यादा पॉइंटेडनेस है तो लेप्टिकर्टिक, अगर कम पॉइंटेडनेस है तो प्लैटिकर्टिक, है ना। डिफाइंड, देखिए कुछ कुछ गलत हो जाता है, डिफाइंड है ये, डिफाइंड बाय द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फिर स्क्यूनेस इज एन इंडिकेटर ऑफ लैक ऑफ सिमेट्री, यानी स्क्यूनेस सममिति की बात करेगा कि दोनों तरफ जो दायां और बायां हिस्सा है वो अनइक्वल है सेंट्रल पॉइंट के हिसाब से। जबकि कर्टोसिस क्या बताता है कि पीक हमारी ज्यादा ऊंची है या फ्लैट है विद रेस्पेक्ट टू द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो एक सममिति की बात कर रहा है और एक शिखर की बात कर रहा है। स्क्यूनेस शोज हाउ मच एंड इन विच डायरेक्शन द वैल्यूज डेविएट फ्रॉम द मीन। इन कंट्रास्ट कर्टोसिस एक्सप्लेन हाउ टॉल एंड शार्प द सेंट्रल पीक इज। स्क्यूनेस बताता है कि मीन से दोनों दिशाओं में जो डेटा है वो कितना विचलन कर रहा है, क्या राइट में विचलन कर रहा है या लेफ्ट में विचलन कर रहा है। जबकि कर्टोसिस क्या बताता है कि हमारी जो सेंट्रल पीक है वो कितनी टॉल है, कितनी शार्प है। तो ये आपका कर्टोसिस और स्क्यूनेस में डिफरेंस हो गया। अगर पूछ लिया जाए, यही पूछ लिया जाए कि राइट शॉर्ट नोट्स अबाउट हाउ डू यू डिफाइन, क्या हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन कर्टोसिस एंड स्क्यूनेस, आप कर्टोसिस और स्क्यूनेस में कैसे विभेद करेंगे, तो ऐसे विभेद करेंगे और चित्र से बता दीजिए कि ये पॉजिटिवली स्क्यूड है, ये नेगेटिवली स्क्यूड है, और इसमें ये मीजोकर्टिक है, लेप्टिकर्टिक है, प्लैटिकर्टिक है। हो गया। सवाल पूछा जाए तो हमको परसेंटाइल डेसाइल पता हो तो निकाल लेंगे, और सबसे आसान है कि मीन मीडियन मोड में से तीनों में से कोई दो पता हो, और आपको स्टैंडर्ड डिविएशन पता हो तो आप कार्ल पियर्सन के फॉर्मूले से निकाल लेंगे। कैरी के फॉर्मूले में परसेंटाइल की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो अब एनपीसी पूरी तरीके से कवर हो गया, एनपीसी से संबंधित कोई भी सवाल आए तो आप कर सकते हैं, आई थिंक सो। सो थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन। आई हैव डन फ्रॉम माई साइड।